जी वन को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है तो चलिए इस एडवाइज़री में क्या बातें लिखी गई है आपकी जी एस वन में क्या बदलाव हुए हैं लेकिन आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट अपडेट है टेबल ट्वेल्व के लिए जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है तो चलिए एडिशन ऑफ सिक्स परसेंट टैक्स रेट इन जी एस ऑनलाइन तो ऑनलाइन फाइलिंग में सिक्स परसेंट का जो रेट है वो ऐड कर दिया गया है उसी को लेकर के ये एडवाइजरी इशू की गई है कि इट मे बी नोटेड सिक्स परसेंट टैक्स रेट हैज़ बीन एडेड इन आइटम डिटेल्स सेक्शन ऑफ ऑल द टेबल्स ऑफ जी एस टी आर वन की जितनी भी टेबल्स हैं सब में ये सिक्स परसेंट का रेट ऐड कर दिया गया है एक्सेप्ट एच एस एन टेबल ट्वेल्व यानी कि जो टेबल ट्वेल्व है एच एस एन की उसमें उसको छोड़ करके बाकी टेबल्स में ये सिक्स परसेंट का जो रेट है उसे ऐड कर दिया गया है इन केस यू आर आउटवर सप्लाई अट्रैक्ट सिक्स परसेंट टैक्स रेट यू आर रिक्वायर टू अपलोड द डिटेल्स अगेन सिक्स परसेंट टैक्स रेट इन द आइटम डिटेल्स सेक्शन तो अब आपका अगर आउटवर सप्लाई पर छः परसेंट का रेट है तो आपको अकॉर्डिंगली जो डिटेल है वो सिक्स परसेंट टैक्स रेट में ही शो करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एच एस एन टेबल ट्वेल्व ऑफ फॉम जी एस टी आर वन अब जो आपकी एच एस एन वाली टेबल है जी एस टी आर वन की सिक्स परसेंट टैक्स रेट शैल बी एडिड शोटली जल्दी ही ये रेट उसमें एड हो जाएगा मेन वाइल अभी आपको क्या करना है यू में रिपोर्ट द एच एस एन डिटेल्स ऑफ सप्लाई अट्रेक्टिंग सिक्स परसेंट टैक्स रेट अंडर टैक्स रेट फाइव परसेंट तो अभी आपको मीन माइल क्या करना है जल्दी ही उस टेबल में भी सिक्स परसेंट ऐड हो जाएगा लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तो फाइव परसेंट की जो टैक्स रेट है वहाँ पे आपको शो करना है बाय अपडेटिंग द वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट एज पर द एक्चुअल सप्लाई मेड बाय यू तो आपने जो भी आपकी एक्चुअल सप्लाई है वो ही आपको शो करनी है लेकिन कहाँ पे अभी टैक्स रेट जो फाइव परसेंट है उसके अंडर आपको शो करनी है एच एस एन वाली टेबल बाकी सभी टेबल्स को अपडेट कर दिया गया है सिक्स परसेंट का जो टैक्स रेट है उसको वहाँ पे ऐड कर दिया गया है तो जब आप अपनी जी एस टी आर वन की फाइलिंग करें तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा स्पेशली कि आप टेबल ट्वेल्थ जो आपकी है उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें सिक्स परसेंट का जो रेट है वो जल्दी ही ऐड हो जाएगा तो अभी आपको जो करना है वो विकल्प भी इन्होंने एडवाइजरी में बता दिया है और आपकी जो जी एस टी वन फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं वो क्या रहेंगी यानी कि अभी भी आपकी जो ड्यू डेट्स हैं इलेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ वही हैं ड्यू डेट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है तो अभी के लिए आपका जी एस टी में जो अपडेट था वो यही है तो इलेवेंथ जून तक आपको फाइल करनी है अपनी जी एस टी आर वन आई एफ एफ की जो डेट है वो आपकी थर्टीन ऑफ जून है